क्या करते, तकलीफ हुई जब वो लोग गालियां देते थे, डंडा तानते थे, मगर मारे नहीं, लड़के की बहुत पिटाई की। जजमेंट पे तो बाबा अब न्याय पे भरोसा नहीं रह गया आपको, तो क्या करें, भगवान पे भी भरोसा नहीं रह गया। गैया बिक गई, गन्ने वाली गाड़ी बिक गई, चार चक्का था वो भी बिक गया, तो ये ले आए थे लोग कि पैर से ये चल नहीं पाते हैं, कहीं रिश्तेदारी हम लेकर जाएंगे इनको। क्या हो गया है आप लोगों के गांव में, सुने बेवजह जेल गए, फिर जेल से आए, फिर मरी हुई पत्नी जिंदा हो गई, क्या हो गया पूरा? जी गलत तरीके से फंसाया गया उनको। हाँ जी, क्या था पूरा कहानी बताइए थोड़ा। पूरा तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन जितना पता है उतना मालूम है वो जी, गलत तरीके से उनको फंसा दिया गया। हाँ तो अभी जिंदा है ना, पत्नी मरी भी नहीं थी तब भी जेल भेज दिया गया। बहुत काफी मारा गया पुलिस ने, बहुत मारा जी, कबूलने के लिए कि तुम हत्या की हो, ये कबूल दो। तो फिर अभी क्या मतलब, केस खत्म हो गया, वापस आए कि बेल पे निकले, क्या हुआ था? नहीं वो तो हमेशा पुलिस उनको रिमांड में लिया करता था, दो साल तक। हाँ जब भी होता तभी उनको सबको ले जाके बंद कर देते थे। अच्छा जी, तो ये कितने दिन मामला चलता रहा? ये 2-3 साल। 3 साल जी, काफी परेशान कर दिए पुलिस वाले ने जी। 3 साल बाद पता चला कि पत्नी जिंदा है। जिंदा जी। देखिए फर्जी मुकदमे में आदमी किस तरीके से परेशान होता है। अभी बाबा बता रहे थे कि पूरी संपत्ति उनकी जितनी भी थी सब खत्म, सब बिक गया, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा है। और जो मरी हुई पत्नी थी वो जिंदा भी हो गई? जी जिंदा है अभी। वो शायद कहीं मिली, वो मध्य प्रदेश में कहाँ मिली, लेकिन जिंदा मिली। तो पति कैसे ढूंढ लिए फिर वो पत्नी को मध्य प्रदेश में? जी पुलिस वालों ने ढूंढा होगा। नहीं नहीं, अखबार में तो ये छपा कि पति ने ढूंढ निकाला मरी हुई पत्नी जी, तो लोग खोजे। हमेशा पुलिस मारता था ना ले जा करके, बहुत मारे लोग 3 साल तक। उनके पिताजी को भी मारते थे, लेडीज को भी उठा के ले जाते थे। मैंने हमेशा 1 महीने में 2-3 बार पुलिस यहाँ से उनको उठा के ले जाते थे, फिर बंद करके रिमांड पर मारती थी। अच्छा जी, कबूलने के लिए? हाँ, कि तुम मान लो कि तुमने पत्नी को। हाँ वो ये बोलते थे कि नहीं तुमने मार दिया है, जैसे बहुत पुलिस वालों ने मारा है, बहुत मार दिया। और पूरा जमीन संपत्ति? हाँ सब सब बिक गया है उनका, कुछ नहीं बचा अभी। ये अचंभव हो गया है कि जो पति अपनी पत्नी की मौत की सजा काटते हैं, काट कर जब बाहर निकलते हैं तो बाद में पता चलता है कि भाई साहब पत्नी तो जिंदा थी, 13 महीने का जेल काटे, फिर जेल काटे थे कि पत्नी की हत्या हो गई है, फिर पता चला कि पत्नी तो जिंदा है, तो कैसे मामला खत्म हो गया हमारा? हम बेकसूर है, हम जेल काटे। हाँ। तो कहाँ खत्म हुआ अभी मामला? इनकी जितनी ना खेत बाड़ था वो सब बिक गया। हाँ, मामले ये मामला के चक्कर मामले में पिटाइया खाया, मार खाया बहुत काफी। बंद कौन मारा? पुलिस वाले? पुलिस वाले ना। अच्छा। हाँ। ये गाड़ियाँ थे, जो सी गाड़ी थी, और ये जो गाड़ी आप ले आए ना, ये भी गाड़ी थी दो। अच्छा, फोर व्हीलर सब बिक गया, जितनी बिखर बंद थी वो सब बिक गया, सब मुकदमा के चक्कर में बिक गया, एकदम सब बर्बाद हो गए सब बेचारे। मतलब एक फर्जी मुकदमा आदमी की जिंदगी कैसे बर्बाद कर देता है। तो पूरा जितना पैसा था सब यही मुकदमा के चक्कर में चला? सब चला गया, कुछ नहीं। अच्छा, वो बेचारे जो कि बेचारे कैसे कैसे सब्जी वब्जी बेचते हैं, गन्ना जूत करते हैं, जुटाते हैं, ऐसे मामला में सब खत्म हो गया, खेत बाड़ी सब बिक गया, गाड़ी घोड़ा बिक गया, जो बिखरे थे वो सब बिक गया कोर्ट कचहरी में। हाँ बिक गया था बेचारे के, वही बताएंगे, खुद ही बताएंगे, आप जाइए समझिए। इस चक्कर में पूरी संपत्ति और जो 3-4 साल की जो सजा कटी, जो और सारी प्रॉब्लम हुई, क्या क्या हुआ वो सब समझने हम इस गांव में चले आए हैं। खेतों के बीच अब चलते हैं उनके घर, बतियाते हैं, समझते हैं पूरा मामला। अब हम उसी घर में आ गए हैं, बाबा हैं, बाबा ही पूरी कहानी बताएंगे। और भैया तो अभी हैं नहीं, भैया अपना रोजी रोटी के लिए निकल गए हैं। भाई 11 बज रहा है, समय हो गया है, पैसा भी तो कमाना ज़रूरी है। बाबा पूरी कहानी बताइए, पता चला कि आपकी बहू जो है मर गई थी, जिसकी सजा आपके बेटे काटे। हाँ। फिर बाद में पता चला जेल से वो निकले। हाँ। तो बहू फिर जिंदा हो गई। हाँ। लेकिन जो बेटा जेल काटा उसका क्या, ये सब कुछ कोई सोच नहीं रहा है। पूरी कहानी बताइए, क्या है पूरी कहानी? पूरी कहानी साहब वही बताएंगे। हाँ। जितना दिन हमारे पे बीता वो हमें याद है। आप अपना बताइए, हम उनका पूछ लेंगे। जीनपुर के थानेदार जो है हरिंदर यादव, जब वो इतला उनको मिली तो तुरंत हम लोगों को 10 बजे तक गिरफ्तार कर ले गए रात ही में। उसके बाद जेल में रखे 11 दिन। 11 दिन रखने के बाद कोई अपनी तरफ से कोई जांच नहीं किए, बस ये एक यही सवाल हम उनसे करते रहे। हाँ। कि साहब जिंदा या मुर्दा, कुछ हमें दिखाइए सबूत या ढूंढ लीजिए उसे, तब तो हमें मालूम होगा। आप एक बैग उठाकर, इसके मतलब कि आप जो है पैसे पर बिक गए हैं, वो कहें बुढ़े तुम्हारी भी हालत खराब कर देंगे। हाँ
यही तो हालत है। तो आप लोगों को भी मारा हो गया या फिर? लड़के की साहब बहुत हालत खराब थी, हम तो वहीं बैठे थे, बाहर बाहर भी हमको बैठे थे, उसको उसमें मारते थे। हाँ यही तो हाल है। और जो वहाँ के कोतवाल साहब हैं वो कुछ भी नहीं बोले, कहने तुम्हें पहले बताना चाहिए, हम कल एक हफ्ता पहले आपको बताए थे, इतला दिए थे, और आज भी 2 बजे हम आपको दिए हैं तो उसका कोई सुनवाई नहीं है, वो आइए तुरंत हम लोग लिया के जेल खटा दी। तो कैसे पता चला बाद में कि बहू जिंदा है, मतलब जेल से जब वो निकल गए तो ये ढूंढा कौन, पुलिस ढूंढी कि आपके बेटे खुद ढूंढे? साहब हम तो पैर से लाचार हैं, आँख से भी कमजोर हैं, जब लड़का छूट के आया तो वही ढूंढा, बेटा ढूंढा। हाँ प्रशासन कुछ नहीं कर पाया? ना कुछ नहीं, प्रशासन तो ये जो आए ना चंद्रशेखर यादव उन्हीं का पांव हाथ पड़ते रह गए, कहना ठीक है तुम्हारा भला हम करेंगे मगर कुछ टाइम लगेगा। वो ले आए खोज कर, वो भिंड गांव से, भिंड जिला है कि भिंड नगर, इटावा के आगे से, वही ले आए खोज कर, तब हम लोगों को खबर दिए तो हम लोग गए वहाँ। तो यह हुआ कि तो पहचान, पुलिस वाले लोग ढूंढे कि कौन ढूंढा ये? पुलिस वाला दरोगा, हाँ, जी पुलिस वाले ढूंढे। वही क्या नाम है, तो इस बीच जो आपकी, जो आपके घर में सुनती हूँ मैं, गाड़ी थी और जो पैसा था वो सब, जमीन थी कुछ, वो सब बिक गया जमानत कराने के चक्कर। गन्ने वाली गाड़ी पहले भी की, तभी कोई सुनवाई नहीं, पैसा इधर उधर खत्म हो गया। फिर 4 चक्का थी हमारे पास, वो भी बिक गया, तभी नहीं कोई सुनवाई, कर्ज लेने लगे। तो ये पैसा क्यों लग रहा था इतना पैसा? वकील और कोर्ट कचहरी कागज पत्र में और दरोगा लिए। अच्छा पैसा लिए? हाँ हरिंदर यादव लिए। अरे यहाँ तक लिए कि जो हम 11 दिन थे और हमारी बहू, एक टाइम का 50 रुपया जोड़ कर लिए खाने के लिए। हाँ अचार तक ले नहीं मिला है, ये तो हालत है। तो जे आप लोग जेल में थे? हाँ। तो वहाँ तो खाना मिलता है साहब? वो जेल में था वहाँ ना, बड़े जेल में। हाँ। तो उसको तो वहाँ क्या मिला या नहीं मिला वो ही जानता होगा, हम तो यहाँ थे जीएनपुर में। हाँ। बहू भी थी, हम भी थे। तो बहू को किस बात के लिए रखा गया था? तो उसका भी नाम है, उसने भी मारा है। अच्छा। हाँ यही तो कह रहे थे। एफआईआर में क्या था, आप लोगों को कुछ पता है क्या? उन जो लड़की, जो आपकी बहू है, उनकी तरफ से एफआईआर में क्या लिखा गया था? साहब ये हम जाके तहसील पर वकील से लिखवाए कि साहब नहीं, बहू क्या लिखवाई थी, क्या केस की थी आप लोगों को? केस की थी कि जो मार था हम लोग को फेंक दिए हैं। हाँ, मार के फेंक दिए हैं। उसकी माँ लिखवाई है कि ये लोग उसको हमेशा प्रताड़ित करते थे, मारते थे दहेज के लिए। तो वो लड़की की जो माँ, इनकी जो बहू है, मतलब आपकी जो देवरानी है, उनकी माँ ये एप्लीकेशन में लिखवाई थी कि आप लोग दहेज के लिए मारते थे मार के फेंक दिए हैं सब। हाँ, इसीलिए तो जेल जुर्माना सब हुआ था, सब कुछ बिक गया इसी में। हमारे 2 बच्चे थे, पढ़ते लिखते थे, वो भी पढ़ाई। अच्छा, लिखाई तो आप लोग बीच में बोलते रहे होंगे कि हमने नहीं मारा है? कुछ हुआ था लेकिन कोई सुनता नहीं हम लोग का। थाने पे बार बार पुलिस और सभी, हम नहीं मारे हैं कि हम नहीं मारे हैं। हाँ। जिंदा मुर्दा उसे साबुत कर दीजिए तो हमें संतोष हो जाएगा कि ये लोग मारे हैं, मगर आप कुछ नहीं साबुत दिए और उठा के जेल कर रहे हैं। मरी हुई लाश भी आप लोगों को नहीं दिखाई गई, आप लोगों को जेल में डाल दिए। यही तो सब कर रहे थे पहले कि हम लोग पूछे कि अगर हम लोग मारे होते तो कहीं भी तो बताइए कि हम लोग कहाँ मारे, कहाँ फेंके, क्या किए हैं, तभी तो हम लोग जेल जाएंगे। इस तरह कैसे जेल में फेंक दिया जाएगा, हम यही सब कर रहे थे। तो कितना साल बाद पतोहिया जिंदा मिल गई बाबा? जब लड़का जब छूटा तब मिली है ना। हाँ, अगर नहीं छूटा होता वो जेल में रहते तो ये भी नहीं मिली। हाँ, अरे वहाँ तो हम जो है वहाँ के वकील के जो है इलाहाबाद 3-3, 4-4 मरतबा गए, कहीं सुरसा न लगा। जब लगा सुर हमारा तो जमानत हुई है आपके देवर की। हाईकोर्ट से जमानत लगा है जमानत में साहब। वकील बगैर पैसे का थोड़ी सुनेगा, डॉक्टर बिना पैसे का थोड़ी सुनेगा। अच्छा, आप लोगों को भी कभी मारा गया, कुछ किया ऐसा कुछ? नहीं, हमें बैठाया गया था, बस बैठाया गया, मानसिक पीड़ा दी गई। हाँ। डंडा उंडा आप पे नहीं चलाया? नहीं, हमारे पर नहीं चला, नहीं चला। मगर ये कहते हैं कि तुम्हारे भी बुढ़ोती खराब कर दूंगा, दरोगा साहब कहते थे। हाँ, लड़कियों को बहुत मारे पट्टा के लिए। हाँ, और उन्होंने कहा साहब ना हम मारे हैं ना हम जानते हैं, कौन सी साड़ी पहन के निकली तो ये पता नहीं है कि पतोहू हमारी कब कौन सा साड़ी पहन के महके जा रही, कौन कहाँ जा रहा है ये नहीं हमको पता है। मगर वो जब मिला कपड़ा, लड़का जब ढूंढने लगा अपना तो उसका लोवर और टी शर्ट नहीं मिला, तब मालूम हो गया कि वो उसमें गई थी, लोवर टी शर्ट में गई। हाँ।
और सारी जेवरात इसकी भी है अपनी भी। आपका भी सब कुछ लेकर पैसा और जेवरात सब लेकर चले गए हैं और अपने माँ को दे दिए सब ले जाकर। पता है ये खबर आपको भले छोटी लग रही हो लेकिन एक एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया इस चक्कर में। आप सोचिए कि फर्जी केस इंसानों की जिंदगी किस तरीके से परेशान कर देता है। एक एक इंसान जो जेल में रहा दो कितने दिन पूरा ये चला, ये नाटक पूरा कितने दो ढाई साल अभी भी तो चल ही रहा है। हाँ, ये तो चल ही रहा है। 2019 से चल रहा है, 23 हो गया। हाँ, 23 हो गया, अभी भी चल रहा है। जब लड़का एकदम जाते जाते यहाँ से थक गया है कोर्ट कचहरी से, तब जाके एसपी साहब के मिला, तब वो लीक कर दिए और बयान तभी से दौड़ी दौड़ा हो रहा है। देखिए अभी क्या होता है, खेत भी बेच दिए। आप लोग अब मुकदमे में क्या डाले हैं, अब क्या डाले हैं? आप लोग भी तो अब केस किए दोबारा ना? हाँ, तो वही जजमेंट मिला है वहाँ से, वो हाई कोर्ट से, तो वही कागज लेकर आए हैं। निर्दोष हो गए हम लोग। हाँ, तो वही कागज लेकर आए, एप्लीकेशन दिए हैं थाने पे। एप्लीकेशन में क्या लिखवाई आप लोग कि बहू जिंदा है तो? हाँ, जिंदा है तो हम लोग इतना दिन सजा काटे तो उनको भी सब सजा काटनी चाहिए ना। सच्चाई जो सामने आ गई है तो उसको सजा अब किसको काटना चाहिए? आपसे मांग रहे हैं आप लोग अपनी जमीन उमीन क्या 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 है? अभी कुछ तो नहीं मिला है, कहीं भी कुछ सुनवाई में क्या लिखवाए बाबा? वो लड़का लिखवाया साहब, हमें नहीं लड़के लिखवाए। हाँ, यहाँ किसी से आप पूछ सकते हैं कि गाँव में पूछते हुए आए उसका क्या क्या बिका है तो सभी लोग बताएंगे। बता रहे, गैया बिक गई, गन्ने वाली गाड़ी बिक गई, चार चक्का था वो भी बिक गया। तो ये ले आए थे लोग कि पैर से ये चल नहीं पाते हैं, कहीं रिश्तेदारी हम लेकर जाएंगे इनको। और लड़के की माँ वो है, उसको कुछ पता नहीं है हमारे घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो तो सीधी सादी बेचारी, वो बैठी रहती है। बुढ़ापे में बाबा की आँख में देखो आंसू भर आ रहा है जब वो ये तकलीफ हुई, जब वो लोग गालियाँ देते थे, डंडा ताटते थे, मगर मारे नहीं। लड़के की बहुत पिटाई की, हमें उस बात को कोई कहा तो हमारा कलेजा फट जाता। जजमेंट पे तो बाबा अब न्याय पे भरोसा नहीं रह गया आपको तो? क्या कह रहे हैं, भगवान पर भी भरोसा नहीं रह गया। जो पूजा पाठ करते तो भी छोड़ दिए, जो होना होगा हम भुगतेंगे, क्या कह रहे हैं। भगवान आप में भी सहारा नहीं रह गया। आप नहीं नहा धो के पूजा एक घंटा कर लेते थे तब खाना मांगते थे, मगर क्या करें, जेल जुर्माना कर सहते हुए भगवान को भी हमने छोड़ दिया। यही तो न्याय है। मगर जब भी कोई आता था पुलिस, ले चलो पकड़ कर, ले चलो पकड़। अरे सरकार सुन लीजिए, हमारी गुहार सुन लीजिए। डीएन साहब के पहले जब गए थे शुरू में, तब भी सुनवाई कोई नहीं हुई। लेट गए चक्के के नीचे तो भी सुनवाई नहीं। हाँ, घसीट कर फरके की कर दिए। आपका आँख पूरा लाल लाल हो गया एकदम। क्या कर रहे हैं साहब, रोते रोते बहुत दिन तक रोए, तनिक भर नहीं रोए। ये जेल में जब मैं आया है घर देखने, कोई सिपाही लेकर आया, भाभी भी रो रही है। यही तो मुसीबत भी थी। तो अब तो, अब तो सही है मतलब अब? अरे साहब, अब तो जिंदा आ गई ना, पुलिस ले आए ना, थाने में बंद किए उसका मेडिकल। लेकिन इतने बीच का जो आप लोग शासन है उसी का न्याय अब चाहते हैं? हाँ, देखिए ये परिवार जो है वो, इन पर आरोप था कि इनकी बहू जो है इन लोगों ने अपनी बहू को मार दिया है और इस वजह से ये लोग सजा काट रहे थे। अब बहू जिंदा वापस आ गई है, अब ये पूछ रहे हैं अपने न्यायालय से कि अब हम क्या करें, जो हमारी जमीन बिक गई, जो हमारा गाड़ी बिक गया और जो हमने मानसिक पीड़ा सही, अब उसका क्या ना बाबा? जी हाँ, यही हम चाहते हैं कि हमारा जितना गया है और जितना हम दौड़े हैं, चार चार छः छः आदमी रखते थे यहाँ, उनको खाना खिलाना, तेल भरना, हर पुलिस कहते थे कि जाओ उसके रिश्तेदारी ढूंढो, अपने रिश्तेदारी ढूंढो, कहीं छिपाए हो। आप जहाँ जाएंगे तो बगैर पैसे का थोड़ी जा पाएंगे। तो आप लोग रिश्तेदारी में जाके बहुत ढूंढ रहे? हाँ, बहुत ढूंढे। तो बेइज्जती भी हुआ फिर? बेइज्जती तो बहुत हुई साहब। और उसके रिश्तेदार कहते थे, अरे भैया उसके विषय की कोई बात मत करो, हम हाथ जोड़ते हैं, आप जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमने कहा आप लोग साथ दे दीजिएगा तो कभी हम उभरेंगे तो आप लोग भी उभर जाएंगे। पाँचवा छठवा केस में हमें वो डाला है, यही हरकत उसकी है, लड़कियों को बेचना। हर जगह गए तो हमें यही मिला कि हमारे घर पर ऐसी तंग की, कोपा में, ये देवारा खित्ता में, अभी यही यहाँ की बात है, छत्तरपुर की, कह रहे हैं आप? उसके मामा को और उसके माँ को कह रहे हैं हम, उन सबों की यही हरकत है, अपनी बेटियों को ऐसे कर देते। हाँ, इटावा में ढूंढने से तब पता नहीं चला कि उसकी दो बेटी तीन बेटी यही हैं, एक तो ले आए लोग दो। सब पे ऐसे ही केस चल रहा है। हाँ, अब वो लोग जाना
कैसे क्या बीता हमारी जो बीती हम अपना बयान बता रहे हैं आपसे। ऐसे भी किस्से सुनने को मिलते हैं कि दहेज उत्पीड़न का कैसा फर्जी केस फंसाया जाता है और एक परिवार बुरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। मतलब समझिए ना कि 2019 से केस चलता है, 2023 आ गया, अभी भी कोई ऐसा निर्णायक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हाँ कि अब जो है ये परिवार शांति से बैठ सकता है, अब ये परिवार शांति से सांस ले सकता है। इस बीच की जो पीड़ा इन्होंने सही उसका क्या, ये सोचने की बात है कि इतने दिन तक जो जेल में मार सही या ये बहू, इनकी क्या गलती रही होगी, इनको थाने में बैठाया गया, इनसे पूछताछ की गई, रिश्तेदारों के बीच जा जाकर सारी बातचीत होती रही, एक जो सामाजिक प्रतिष्ठा गिरी वो, और जो जमीन और प्रॉपर्टी बिकी वो, और एक जो मानसिक पीड़ा हुई वो, उसका न्याय कहाँ है? इनका, इस परिवार का सवाल यही है। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।